तैनू लख लख खुशियां
एक बार सारे में दोनों पानी के नाल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री बलवीर सिंह जी लूथरा जी से कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। स्थापना दिवस पर इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने में सिंह जी जो क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भी हैं, छत्तीसगढ़ से एक्स राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जी, उनके साथ उनका पूरा परिवार, रानी साहिबा, उनके सपुत्र, उनके साथ पधारे हैं। मैं पूरे परिवार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे नगर पालिका के चेयरमैन राजेंद्र जी लेगा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र जी कामरा, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष अशोक जी मिड्डा, कर्नल हेम सिंह जी शेखावत, हमारे पंचायत समिति के डायरेक्टर रमेश कंवर जी, हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष सतीश जी भेजर, रोशन जी सदेवड़ा जी, राकेश जी नागपाल, हरभूषण जी सोनी, समस्त सरपंचगण, समस्त पार्षदगण, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुशील जी मिड्डा और यहाँ पर पधारे हुए श्री विजयनगर के गणमान्य नागरिक, मेरे सम्मान योग बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहने और हमारे बड़े भाई साहब जेएस दानेवालिया जी, वो भी मंच पर विराजमान है। मैं सबसे पहले एक बार पुनः छत्तीसगढ़ के राज परिवार का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 1800-2000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी विजयनगर की पवित्र धरती पर पहुंचे हैं, मैं इनका भाग्य है। विजयनगर का ही नहीं, मैं तो उन्होंने बीजारोपण करके
इनके शिष्य का सब पानी फटा हुआ है और वो उनके शेर दोनों एक हाँ जी हो जाएगी जल्दी से ये बच्ची होगी पीछे बहुत बढ़िया दौड़ जाओ बस चेयरमैन साहब की फोटो आना करिए ना। अब इसके बाद में आधे घंटे का कार्यक्रम रहेगा भाई जगजीत सिंह जी जीती का, जिसके बाद जो इनाम वितरण का कार्य होगा, उसके बाद में हम जितनी देर हमारे बीच मस्जिद पंजाब के मशहूर गायकार जगजीत सिंह जी जित्ती को सुनना चाहेंगे तब तक जगजीत सिंह जी हमारे बीच में रहेंगे। तो अब आधे घंटे का समय लेकिन बीच में भाई जगजीत सिंह जी जित्ती के नाम अगर कोई 5 साल के लिए पीछे चले जाए तो यहाँ इस एरिए में अकाल पड़ रहा था। धन्य आपका पूर्ण और जिन्होंने हमारे एरिए को चमन बनाया है, हम तो अपना जितना दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करें उतना ही कम है। और आपसे गुजारिश भी रहेगी कि हमारे एरिए को आप ही संभालते रहिए, आपके चरण इस एरिए में आते रहेंगे तो हमारा एरिया और खुशहाल होता रहेगा। एक बार जोरदार ताली लाओ। मैं फिर तो गुजारिश कर रहा हूँ कि आप समझ नहीं पा रहे कि आज साढ़े बच्चे किस तरह के लोग आए बैठे हैं। आज कोई अपनी एफर्ट से किसी एक परिवार में चूल्हा जलता कर दे, कोई रोजगार दे दे तो उसका जीवन में आना जीवन का सफल है। लेकिन जिसने हजारों लाखों परिवारों के चूल्हे जलते किए हैं वो आपके पुरुष पे जोरदार ताली है। अभी सामने फरमाइश किया कि हिंदी को थोड़ा सा जो आपको भी समझ आते फिल्म में दिल लगी दिल लगी में दिल गया दिल लगा में दिल लगी में मिल गया दिल लगा मिल गया तुम तो हंसते हो तुम्हें क्या मिल गया तुम तो रोते हैं हमारा दिल मिल गया। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता वीराने को आवाज तो कर सकता हूँ मैं जब चाहूँ सर आपके लिए बोल रहे हैं तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ वीराने को आवाज तो कर सकता हूँ मैं जब चाहूँ तुम्हें मिल नहीं सकता लेकिन ओ तुम्हें याद तो कर सकता कोई हंसे तो तुझे हम लगे हसीना लगे दिल लगी दिल को कभी दिल लगी ना लगे वो जो या मरे चांद रातों में उजकल गुना करे तेरा मेरे मगर जीना लगे वो बेदर्द कैसी सजा दे दिया
फिर किस्मत नैन मिलाएगी, ओ माँ की बात
खाली हाथ निकली है जाए वो जद जो मन दी रुत आवे मुन जो चुप नहीं निकाला जद जो मन दी रुत आवे मुन जो चुप नहीं निकाला कुड़ी हंस दे ही दिया सुर दिया है आप जरूर सुन के जाइएगा। एक मेरे गीत दो यार कोई। हाँ जी।